दोस्तों, जानवरों को जब भी मौका मिलता है ये अपने दुश्मन की खैर लेने से पीछे कभी भी नहीं हटते हैं। पर ऐसे में कई बार इनसे गलत जगह और गलत दुश्मन का चुनाव हो जाता है, जिसकी वजह से इनका पंगा उल्टा इन्हीं के ऊपर भारी भी पड़ जाता है। और आज हम भी आपको कुछ ऐसे ही वीडियोस दिखाने वाले हैं जिनमें जानवर गलत जगह और गलत दुश्मन से पंगा लेकर उल्टा खुद का ही नुकसान करवा बैठते हैं। तो चलिए फिर देर ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। सबसे पहले इस वीडियो में ये लड़की अपने पालतू डॉग के साथ एक बुल को भगाने जाती है और वो बुल भागता भी है, पर इनसे डर कर नहीं उल्टा इनके पीछे। अब यहाँ पर आप भी साफ साफ देख ही सकते हैं कि जो ही बुल इनके पीछे पड़ता है तो ये लड़की किस तरह यहाँ से अपने पालतू डॉग के साथ भाग निकलती है। पर ये बुल भी इनका पीछा इतनी आसानी से कैसे छोड़ने वाला था, और इसी वजह से ये भी इन्हें काफी देर तक ऐसे इस कार के चारों ओर दौड़ाते रहता है। हालांकि बाद में ये दोनों सही सलामत बच गए, पर जो भी हो आज इस बुल ने तो इन्हें अच्छा खासा सबक सिखा दिया। कुछ ऐसा यहाँ पर ये जनाब भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि काफी देर से अपने स्किल की दम पर कुछ गायों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। और ये अपनी कोशिश में शुरुआत में कामयाब भी होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, पर जब गायों की हद पार हो जाती है तो यहाँ पर इनमें से एक गाय को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही आगे आकर इस जनाब को अच्छा खासा दौड़ा देती है। यहाँ पर ये गाय जो इस लड़के के ऊपर हमला करती है तो काफी देर से इन गायों को डरा रहा है ये लड़का तुरंत यहाँ से भाग निकलता है। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? रुक, तेरे को बता दे। इस वीडियो में एक शेर बफेलो के झुंड के ऊपर हमला करके एक बफेलो को अपनी गिरफ्त में भी ले लेता है और उस बफेलो की गर्दन पर हमला करके उसका शिकार करने में जुट जाता है। पर आज इस शेर के लिए शिकार करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस बफेलो को मौत के घाट उतार पाता उससे पहले उस बफेलो के अन्य साथी यहाँ पर आ जाते हैं और इस शेर को पीछे हटने की चेतावनी देने लगते हैं। हालांकि शुरुआत में तो ये शेर भी हाथ आए शिकार को छोड़ने के लिए कतई राजी नहीं था, पर जब वो बफेलो इसके काफी नजदीक आ गए तो शेर को भी समझ में आ जाता है कि आज शिकार के चक्कर में उसका खुद का शिकार हो सकता है, और इसी वजह से वो चुपचाप पीछे हटने में अपनी भलाई समझता है। अब दोस्तों जरा इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए, जहाँ पर एक वाइल्ड बोर बिना बात एक गाय को छेड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और बार बार इस गाय के ऊपर हमला कर रहा है। और यहाँ पर कमाल की बात ये भी है कि ये गाय इस वाइल्ड बोर के ऊपर जवाबी हमला करने के बजाय इसको बार बार छोड़ते ही जा रही है। पर अगर यहाँ पर ये गाय एक बार भी गुस्से में आकर इस वाइल्ड बोर के ऊपर हमला कर देती है तो इसका क्या हाल होगा, वो तो इसने भी सोची ना होगी। सोची नहीं होगी। यहाँ पर एक कुत्ता बेंच पर बैठी अपने साथी बिल्ली को दूसरे कुत्ते से बचाने की कोशिश कर रहा है और बार बार उस कुत्ते के ऊपर जवाबी हमला करके उसे यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा है। पर जब इस कुत्ते के काफी प्रयासों के बाद भी वो कुत्ता यहाँ से नहीं जाता है तो आखिर में खुद बिल्ली मैदान में उतर जाती है और फिर उस कुत्ते के ऊपर हमला करके उसको यहाँ से भगा देती है, जिसके बाद तो कुत्ता भी यहाँ पर आने की हिम्मत तक नहीं करता है। कुछ ऐसा यहाँ पर भी देखने को मिलता है जहाँ पर एक कुत्ता एक बिल्ली को छोटा समझ के उसे पंगा लेने के लिए आ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। पर यहाँ पर यह बिल्ली भी इससे कई गुना तेज थी और इसी वजह से पहले तो कुत्ते को इधर उधर दौड़ाती है और फिर अपना गुस्सेल रवैया दिखाते हुए कुत्ते के ऊपर हमला करने के लिए तैयार भी हो जाती है, जिसके चलते कुत्ता इसके ऊपर भौंकता तो है पर इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। इस वीडियो में एक वर्तोंग बड़े इत्मीनान से अपने बिल से बाहर आया है, पर आज इसे पता नहीं है कि इसका शिकार करने के लिए इसके बिल के ठीक ऊपर एक तेंदुआ भी खड़ा है, जो कि काफी समय से वहां पर खड़ा होकर इसका बाहर आने का इंतजार कर रहा था। और इसी वजह से जो ये वर्तोंग बाहर निकलकर जाने की कोशिश करता है तो तुरंत ही वो तेंदुआ इसके ऊपर हमला कर देता है और बड़े आराम से इस वर्तोंग का शिकार कर लेता है। ठीक ऐसा ही वाक्य यहाँ पर भी घटा, जहाँ पर एक जंगली सुअर का पूरा झुंड टहल रहा होता है, पर तभी इसी दौरान घास में से एक तेंदुआ तेजी से दौड़कर इनके ऊपर हमला कर देता है। दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर पहले इस तेंदुए ने इनको देख लिया था और इसी वजह से ये घास के अंदर घात लगाकर बैठा था, जिसके चलते जो ही वो जंगली सुअर इस तेंदुए के नजदीक आए तो ये तेंदुआ तुरंत ही बिना देर के उनके ऊपर हमला कर देता है।
अगले इस वीडियो में पता नहीं किस तरह एक चूहा पानी के अंदर गिर जाता है, पर जो ये चूहा पानी के अंदर गिरता है तो पानी के अंदर मौजूद सभी बतके एक एक करके इसका पीछा करना शुरू कर देती है और सभी बतके एक कतार में इस चूहे के पीछे चलने लगती है। पर ये चूहा भी इनके ऊपर जरा सा भी ध्यान नहीं देता है और तैरते हुए जल्दी से इस पानी से बाहर निकल जाता है। अगले वीडियो में बिल्ली काफी देर से इस बर्फ जमे घर के ऊपर चढ़कर काफी ज्यादा शोभाजी दिखा रही थी और नीचे खड़े कुत्ते और बिल्ली को भी ठेंगा दिखा रही थी, जिसके चलते इस बिल्ली को भी सबक मिल ही जाता है और आखिर में बर्फ के टूटने के साथ ही बिल्ली नीचे आकर धड़ाम से गिर जाती है। कुछ ऐसा इस बिल्ली के साथ भी हुआ जो कि बर्फ की वजह से ढके हुए इस घर के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, पर बेचारी बिल्ली ऊपर चढ़ना तो दूर बल्कि घर के रूप पर ही अटक जाती है और इस तरह अटकती है कि फिसल कर लटक भी जाती है और धड़ाम से नीचे भी गिर जाती है। अगले इस वीडियो में एक भेड़ एक घोड़े के पास आकर उससे पंगा ले बैठती है, जिसके चलते उसे तुरंत ही सबक भी मिल जाता है, क्योंकि जो ये भेड़ उस घोड़े को आकर छेड़ती है तो घोड़ा गुस्से में आकर उसको एक लात जमा देता है। हालांकि यहाँ पर इस घोड़े की लात इतनी ज्यादा तेज और खतरनाक तो नहीं थी, पर जो ही घोड़ा उसे लात मारता है तो उसकी अक्ल जरूर ठिकाने लग जाती है और इसी वजह से वो चुपचाप यहाँ से कल्टी मार लेती है। इस वीडियो में एक कुत्ता कुछ गायों को परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें शुरुआत में तो गाय इस कुत्ते को कुछ भी नहीं करती है, पर जब इस कुत्ते की हरकतें रुकने का नाम नहीं लेती है तो एक गाय को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दौड़कर इस कुत्ते के ऊपर हमला कर देती है। पर शायद ये कुत्ता भी काफी ज्यादा बड़ा ढीठ था और इसी वजह से ये गाय के कई बार हमला करने के बाद भी यहाँ से नहीं जाता है और उल्टा इन गायों को परेशान करते रहता है। अब दोस्तों जरा सबसे आखिर में इस वीडियो को भी देख लीजिए, जहाँ पर एक कुत्ता एक छोटी सी बिल्ली को नजरअंदाज करता है और उसे काफी ज्यादा हल्के में लेता है, जिसके चलते बिल्ली भी इसके ऊपर हमला करके तुरंत यहाँ से भाग निकलती है। अब दोस्तों जो भी हो इस वीडियो को देखकर एक बात तो साफ हो जाती है कि दुश्मन को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, वरना अंजाम कुछ ऐसा ही होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हाँ ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट भी कमेंट कर देना, हम जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर हाजिर होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।